हाय एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ पार्ट 32। सो इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट अपना वर्क करेंगे इसी अपनी वॉक साइकिल जो एनिमेशन है इसके ऊपर, और फर्दर इसमें जो है वो पोजेज ऐड करेंगे ज़रूरत पड़ी, और इसमें और रिफाइनमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पोजेज देख लेते हैं, ठीक है, हम कॉन्टैक्ट पोज बना चुके हैं, हम डाउन पोज बना चुके हैं, हम पासिंग पोज बना चुके हैं, और अगर तो इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये भी हम देख लेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ती तो हम इसको स्किप कर देंगे और इसको ऐड करके भी देख लेंगे तो क्या चेंजिंग आती है, और उसके विदाउट भी उसके देख लेंगे। तो माया में चलते हैं और इसके ऊपर जो है वो फर्दर आगे जो है कंटिन्यू करते हैं अपने जो प्रोग्रेस है उसको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माया में आ गए हम, फाइल हमारी ऑलरेडी ओपन है, और ये हमारी प्रोग्रेस थी। अगर हम देखना चाहें जो लास्ट वीडियो है उसमें हमारी ये प्रोग्रेस थी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम अप पोज भी अगर ऐड करना चाहें वो भी करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो इसमें चीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें साइड बाय साइड जो मोशन है वो देना चाह रहा हूँ। अगर आप देखें तो जो है इसके मैं जाऊँगा जी यहाँ पे, इसका फ्रंट ये है लेकिन ये फ्रंट नहीं आ रहा इसका, ठीक है, ये उलट हुआ हुआ है। तो इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं Alt 1, और ये यहाँ पे है, इसको मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं रोटेट करता हूँ जी यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपका आई थिंक आ जाएगा जी -180, ठीक है जी। और अब अगर मैं फ्रंट व्यू में जाऊं तो मुझे इसका फ्रंट नज़र आ रहा है, ये वो जो है दूसरी ऑपोजिट साइड पर रोटेट हुआ हुआ था, अब मुझे इसका एग्जैक्ट फ्रंट नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आप असल लाइफ में भी चलें तो आप जो वेट शिफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं, मैं अभी वही बात कर रहा हूँ जो वेट शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं Alt 1 से इसके कंट्रोल जो है वो अनहाइड करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। जब आप लेट से आप यहाँ पे आए, ठीक है, तो आपका वेट शिफ्ट हो रहा था, ये आपका वेट इस फुट पे आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली तभी ये जो है इस पे वेट आएगा सारा, और ये आगे इजीली क्रॉसिंग उसको करेगा। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम इसमें ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फुल इसका वेट इधर आ जाता है। तो लेट से मैं ट्राई करता हूँ जी, लेट से यहाँ पे मैं अगर करूँ -0.09 आ रहा था, ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें अब ये आया, ये इसका वेट शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर आप जाएं ये आया, ठीक है, ये की नहीं लगी मेरे ख्याल से, अच्छा वो मैंने ऑफ की हुई है और मेरे जहन में नहीं रहा तभी की नहीं लगी। इसको करेंगे जी -0.09 एंटर, और अब अगर देखें हम यहाँ से आके, ये देखें ये वेट इधर शिफ्ट हो रहा है, ये आप देखें ये इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, मैं इधर आता हूँ, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे जी 20 पे, मुझे पता है, और यहाँ पे कर देंगे जी 0.09, क्योंकि माइनस था तो इधर प्लस में होगा। अब इसको मैं एक दफ़ा कंट्रोल हाइड करता हूँ और इसको प्ले करके कोशिश करते हैं, ये देखें ये जो वेट शिफ्ट हो रहा है ये पहले नहीं हो रहा था। मैं पर्सपेक्टिव में जाता हूँ और पर्सपेक्टिव में मुझे बेहतर तरीके से आइडिया हो पाएगा, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो वेट शिफ्ट हो रहा है ये पहले नहीं हो रहा था, पहले ऐसे चल रहा था जैसे रोबोट चल रहा होता है, यानी कि स्ट्रेट एक लाइन में चल रहा था, अब ये देखें ये वेट शिफ्ट हुआ, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद ये वेट शिफ्ट हुआ, ठीक है। मैं कंट्रोल इसके करता हूँ हाइड और इसको प्ले करके देखते हैं, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें इसके हिप भी रोटेट हो रही है, वो जो फेवर करना है उसको फेवर कर रही है, और इसका जो वेट भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फ्रंट व्यू में आए और यहाँ से फ्रंट व्यू में देखें तो ये देखें ये वेट भी बेसिकली फुट मेरे प्लांटेड हैं, ठीक है, और ये वेट भी शिफ्ट कर रहा है जो इसमें फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा, इसमें हम अभी एक और चीज़ दे देते हैं, हमने स्कॉच एंड स्ट्रेच जो है वो भी देते हैं कि ये
बेसिकली बाउंस भी हो साथ, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी की कोई भी नहीं लगी हुई, इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले लगाते तो रहे हैं हम कीज़। ठीक है, तो ये फर्स्ट और लास्ट इसकी दो ही कीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, अच्छा मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये यहाँ पे ये बेसिकली स्कॉच होना चाहिए, और ये यहाँ पे स्कॉच, और ये यहाँ पे, इसके बाद ये होना चाहिए ऊपर को स्ट्रेच। ठीक है, यानी कि इसमें आप समझ लें कि जो आफ्टर मोशन है वो होना चाहिए, फॉलो थ्रू इसको बोलते हैं, वो होना चाहिए बेसिकली आफ्टर मोशन जो हो रहा है ना, तो वो होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे ये नीचे है, इसको कर देता हूँ जी थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, लेट से पॉइंट माइनस 0.01। ठीक है, दोनों तरफ ये 0.1 नहीं, मैंने खाली करना है, माइनस 0.1 करना है। ठीक है जी, यही है, इधर भी यही है। ठीक है, और उसके बाद मैं आता हूँ जी इसकी एक्सट्रीम पोज कौन, एक्सट्रीम इसका 8 है। ठीक है, यहाँ पे इसको स्ट्रेच होना चाहिए। ठीक है, लेट से 0.09 हो गया। ठीक है, इसी तरह 8 है, 8 के बाद मैंने जाना है जी, उसके बाद ये दोबारा ये 20 पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने करना है जी -0.09, और आई थिंक था इधर देख लेते हैं दोबारा 0.09। ठीक है, 0.09 था, और यहाँ पे -0.09 है। बेसिकली इसको प्लस में जाना है, तो इसको माइनस में नहीं करना, मैंने इसको करना है 0.09। तो ये अभी इसका सेम हो गया। अगर मैं देखूँ ये और ये था, ठीक है 1, और यहाँ पे आके दोबारा ये वही चीज़ बनेगी, इसको करेंगे जी -0.01। ठीक है, मैं देख लूँ ये सेम भी है कि नहीं, 0.01 नहीं है, खाली 1 है, पहले भी यही मिस्टेक की है मैंने, 0.1। ठीक है, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये और ये, ठीक है जी ये आ गया। ठीक है, और इसको देख लेते हैं जी, इसको प्ले करके, और वो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ, वो बेसिकली आएगी, मैं जाऊँगा इधर से पर्सपेक्टिव में और कंट्रोल कर लेते हैं इसके हाइड। अभी जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो इसकी हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो देंगे, बेसिकली शिफ्ट करेंगे हम फ्रेम, फ्रेम थोड़ा सा इसमें शिफ्ट करेंगे, तो उसके उससे हमें वो जो है वो फीलिंग इसमें आएगी। सो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे बेसिकली ग्राफ एडिटर में, और इसको जो है और ज़्यादा रिफाइन करेंगे। ठीक है, जितनी भी रिफाइनमेंट की ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा रिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अपना, अपने गिरतनवा के लोगों का और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।